आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी पांच बंदूकों के बारे में, जिनका ट्रिगर दबाते ही इंसानों की धजिया उड़ जाती थी। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए और नए आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो पहले इनका इतिहास जान लेते हैं। तो कितने दिन हो गए, लेकिन मुर्गा पहला है या अंडा, इसी को लेकर अभी तक कंफ्यूज है। वही पहले बंदूक आई या बारूद? तो बता दे कि बारूद का आविष्कार सबसे पहले चीन में 9वीं शताब्दी में हुआ था। वहीं सबसे पुरानी बंदूक 1288 के आसपास में बनी मानी जाती है। हालांकि फायरिंग मैकेनिज्म बनने से पहले इसका इस्तेमाल मैन्युअली होता था, तब हाथ से जलती हुई बाती का इस्तेमाल करके इसे फायर किया जाता था। एक बार मैकेनिज्म तैयार हो गया, फिर तेजी से इनमें सुधार आया गया और इस्तेमाल में लाई गई। नंबर 1, गैटलिन गन। गैटलिन बंदूक को प्रारंभिक रैपिड फायर हथियारों का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसी गन ने आधुनिक मशीन गन की नींव रखी थी। इसे 1861 में रिचर्ड गैटलिन द्वारा डिजाइन किया गया था और गैटलिन बंदूक का उपयोग पहली बार अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान किया गया था। इसके बाद कई लड़ाइयों में इसका इस्तेमाल हुआ और आज कई ऑटोमेटिक रोटरी मशीन गन है जो गैटलिन बंदूक के डिजाइन से प्रभावित है। अगर बात करें इसके रेट ऑफ फायर की, तो 0.58 कैलिबर में 200 राउंड प्रति मिनट और 0.30 कैलिबर में 400 से 900 राउंड प्रति मिनट चलते थी। इसको एक अकेला आदमी नहीं चला सकता था, इसके लिए चार व्यक्ति लगते थे जो इसको चलाते थे। नंबर 2, कोल्ट रिवॉल्वर अमेरिका। मैनुअल रूप से घूमने वाली बंदूकें सदियों से अस्तित्व में थी, लेकिन सैमुअल कोल्ट्स गन पहली सफल रिवॉल्वर थी। कोल्ट ने इसे 1835 में ब्रिटेन में सबसे पहले पेटेंट कराया था। अगले साल इसे अमेरिका ने भी पेटेंट कराया गया। बाद में इस बंदूक में लगातार सुधार होता रहा। बंदूक बनाने में कोल्ट दुनिया की सबसे नामी कंपनियों में से एक है। नंबर 3, मस्कट मॉडल 1777 में यूरोप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। इसे शुरू में 1777 में फ्रांसीसी सेना के लिए चार्विल शस्त्रागार और अन्य ने बनाया गया था। अशिक्षित फ्रांसीसी पैदल सैनिक इसे एक मिनट में 3 फायर तक कर सकते थे। साल 1800 की शुरुआत में नेपोलियन के कहने पर इसे बंदूक में थोड़े बहुत सुधार भी किए गए। बाद में 1816 और 22 में कुछ बदलाव भी किए गए। नंबर 4, हेंगलोंग जियांग। माना जाता है कि हेंगलोंग जियांग हैंड कैन दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा बंदूक है। हालांकि ये वास्तव में कोई बंदूक नहीं है, बल्कि ये पहली फायर आर्म है। इसने आधुनिक बंदूक की नींव रखी। ये हैंड कैनन 1970 में चीन के बनला चेंगी गांव में खुदाई के दौरान मिली। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये 1287 और 88 के बीच बनी थी, युद्ध में इस्तेमाल की गई। नंबर 5 से पहले चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताओ पांचों बंदूक में से आपको सबसे ज्यादा अच्छी बंदूक कौन सी लगी। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, व्हील लॉक पिस्टल। जैसे जैसे गन तकनीक आगे बढ़ी, अलग अलग फायरिंग मैकेनिज्म बनाए गए। व्हील लॉक पिस्टल पहली बार 1500 के दशक में बनाई गई थी। व्हील लॉक बंदूक के पहली सेल्फ इग्निटिंग फायर आर्म्स थे, जिसका मतलब है कि उन्हें एक हाथ से कुशलतापूर्वक चलाया जा सकता था। किंग्स चार्ल्स 5 के लिए बनाई गई डबल बैरल व्हील लॉक पिस्टल सबसे शुरुआती पिस्टल में से एक थी, जो लगभग 1540 और 1545 के बीच बनाई गई थी। इसे जर्मनी के पीटर पेक ने बनाया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।